बोलो श्री प्राण प्यारे की। श्री महामती कहे ए सयनो ए छठे प्रहर की बीतक अब कहूँ पहर सातवा जैसी सोहबत हक जैसी सोहबत हक सातवां पहर अब रात पहर दो गई पहर चार दिन दो रात प्रणाम जी सुंदर शाह जी प्राणधर सुंदर साद जी आज तो लगभग एक महीना पूरा होने वाला है भी सुनते सुनते और यूं समझ लीजिए कि आज अभी तक की चर्चा का इस साल का अंतिम दिन है क्योंकि कल तो पूर्णाहति में सब जल्दीबाजी में रहेंगे चर्चा आज ही समाप्त हो जाएगी तो कल तक की चर्चा में हमने सुना छठे प्रहर तक की लीला छठा प्रहर नौ से बारह बजे के बीच में और इस बीच में श्री जी चर्चा करते हैं एक तरफ श्री लालदास जी बैठे हुए हैं एक तरफ कभी मुकुंददास जी बैठते हैं कभी भवानी भट्ट बैठते हैं मुकुंददास और भवानी भट्ट कभी भागवत लेकर बैठते हैं कभी बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र वेद पक्ष के ग्रंथ को लेकर बैठते हैं और लालदास जी कुरान को लेकर और श्री जी जब भी चर्चा करते हैं जहाँ जैसे प्रमाण की आवश्यकता होती है तो ये दोनों तरफ बैठे हुए सुंदर साथ उन प्रमाणों को पढ़ करके सुनाते हैं तो इस तरह चर्चा चलते चलते छठा प्रहर समाप्त हो जाता है अब आगे सातवीं प्रहर के भी तक बता रहे हैं सातवां प्रहर रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक क्योंकि प्रत्येक प्रहर में तीन घंटे होते हैं और आठ घड़ियां होती है रात के दो प्रहर व्यतीत हो चुके हैं और दिन के चार प्रहर और सातवें प्रहर की शुरुआत में सामान्य रूप की लीला अलग होती है और एक विशेष लीला अलग होती है सामान्य नियम तो ये है कि रात के छठे प्रहर तक चर्चा समाप्त हो जाती है उसके बाद श्री जी अपने सेज्या पर पौढ़ते हैं सोते नहीं हैं दस साल तक की निरंतर लीला ऐसी है कि बीतक में किसी भी चौपाई में श्री जी को सोते हुए नहीं बताया है श्री जी पौ रहे हैं पौने का मतलब लेटते हैं अब जब श्री जी लेटे हुए हैं तब सुंदर साथ क्या करते हैं वाणी गाने वाली चौदह बारियां हैं तो अपनी अपनी बारी में आकर के सुंदर साथ गाते हैं और राज्य को रिझाते हैं जब वाणी गाने वाला कोई नहीं होता वैसे तो ऐसी परिस्थिति नहीं आती है लेकिन कुछ सुंदर साथ चर्चा समाप्त होने के बाद भी चर्चा की अर्चा करते हैं चर्चा की अर्चा का मतलब श्री जी ने क्या कही वाणी की चर्चा में छठे प्रहर की भी तक में अथवा दिन में जो चर्चा हुई रहती है उसको रात को दोहराते हैं आपस में बैठ कर के कि श्रीजी साहब ने हमें ये ये बात समझाई क्योंकि चर्चा कभी परमधाम के 25 पक्षों की होती है 25 पक्षों में भी चूंकि परिक्रमा ग्रंथ तो संपूर्ण वाणी में सबसे विस्तृत सबसे अधिक चौपाइयों वाली है तो परिक्रमा में भी कभी हौज को सर तालाब का वर्णन करते हैं कभी पुखराजी पहाड़ का वर्णन करते हैं कभी माणिक पहाड़ का वर्णन करते हैं परमधाम के 25 पक्षों में अलग अलग पक्षों के बारीकियों का वर्णन करते हैं तो कभी तो ब्रज की लीला का वर्णन करके सुनाते हैं कभी रास का कभी श्री देवचंद्र जी की लीला का इस तरह से प्रत्येक दिन अलग अलग रस अलग अलग स्वाद लेते हैं सुंदर और श्री जी जब चर्चा बंद करते हैं तो उसी चर्चा की अर्चा करते हैं किसी फकीर ने कहा कि अगर तुम अकेले बैठो तो खुदा से बात करो और अगर तुम किसी के साथ बैठो तो खुदा की बात करो सुंदर साथ क्या कर रहे हैं जब श्री जी के साथ बैठते हैं तब भी श्रीजी राज्य की बात बताते हैं परमधाम की बात बताते हैं जागनी का तरीका बताते हैं और चूंकि अष्ट प्रहर की लीला में आपने देखा होगा प्रातः के पहले प्रहर से लेकर के चितवनी और चर्चा शुरू हो जाती है तीन ही काम है चर्चा चितवनी और सेवा क्योंकि अष्ट प्रहर की सेवा का वर्णन हो रहा है श्रीजी चर्चा करते हैं सृजी चितवनी कराते हैं और करते भी हैं सुंदर सा चितवनी करते हैं और सेवा करते हैं अब चूंकि प्रसंग ही सेवा का है यहाँ सभी लोग अपने अपने तरफ से सेवा कर रहे हैं मिहिर जी का जो तन है उसकी सेवा अलग है सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं तन से अलग सेवा कर रहे हैं बुद्धि से अलग सेवा कर रहे हैं और आत्मिक रूप से अलग सेवा कर रहे हैं हम बोलचाल में सेवा पूजा भी जब करते हैं या वाणी की चौपाइयाँ भी जब सेवा के बारे में वर्णन करते हैं तो सेवा कैसे कहते हैं तन से मन से और धन से तन मन धन की सेवा की बात करते हैं और जब हम समर्पण की बात करते हैं तो कहते हैं तन मन जीव न्योछावर किन हो तन का न्योछावर मन का न्योछावर और जीव का न्योछावर तो समर्पण की बात शुरू करने से पहले हम सेवा की बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि प्रसंग है सेवा का अब प्रश्न यह होता है कि तन की मन की और धन की सेवा में बड़ी सेवा कौन सी है कौन सी सेवा बड़ी है जो धन की सेवा करते हैं उनको लगता है कि शायद धन की सेवा बड़ी है जो तन से सेवा करते हैं उनको लगता है तन की सेवा बड़ी है अब दोनों के विषय में तो कहा जा सकता है कुछ लेकिन किसी सुंदर शाह से पूछा जाए सुंदर शाह जी मन की सेवा क्या है मन की सेवा किसको कहते हैं मन की सेवा का मतलब ये तो नहीं कि हम एक जगह पे कुर्सी में एक पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठे और मन ही मन हम कल्पना कर रहे हैं कि हम रसोई में भोजन बना रहे हैं भोजन बांट रहे हैं मन ही मन हम कल्पना कर रहे हैं कि हमने दो लाख रुपए का चेक काट करके दे दिया ये तो मन की सेवा नहीं है ना? ये कल्पना है मन की सेवा कहते किसे हैं सेवा दो प्रकार की ही होती है एक तन की सेवा और एक धन की सेवा मन की सेवा का मतलब ये है कि तन से जो कोई हम परिश्रम करते हैं तब भी मन लगता है और अगर हम किसी को धन का दान कर रहे हैं तब भी मन चाहिए क्योंकि मन के बिना तो होगा नहीं वेद का कथन है यशमिन न रित किंचन कर्म क्रियते तन में मन संकल्प जिस मन के बिना किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता हमारा ऐसा मन अच्छे कल्याणकारी संकल्पों वाला हो अब हम शरीर से कोई श्रम करना चाहें तो श्रम कैसे होगा इंद्रियों के माध्यम से चाहे वो ज्ञानेन्द्रिय हो चाहे कर्म इंद्रिया इंद्रियों का राजा कौन है मन तो मन जब तक हमारी इंद्रियों को आदेश नहीं देगा हमारा हाथ कड़ची पकड़ने नहीं जाएगा हमारे हाथ से बाल्टी नहीं उठेगी क्यों क्योंकि मन ने इंद्रियों को आदेश नहीं दिया तो पहले मन से भाव आना आवश्यक है चूंकि तन की सेवा और धन की सेवा दोनों में मन की आवश्यकता है और मन की आवश्यकता का मतलब है मन का भाव अगर भाव ना हो तो फिर सेवा और मजदूरी में कोई फर्क नहीं है घर में कोई मेड आती है काम वाली बाई आती है वो भी रोटी बना करके देती है और माँ भी अपने बच्चे के लिए अथवा पत्नी अपने पति के लिए रोटी बनाती है दोनों के मन में फर्क है भाव का तक मैं आपने सुना हरजी व्यास जी के वहाँ पर नौकरी कौन कर रहे थे कांजी भाई तो कांजी भाई को जब तक भाव नहीं है क्योंकि एक पंडित ही सोच रहे थे कोई ज्ञानी पंडित है अहंकारी पंडित है जो ये कहता है कि जिसको मैंने हाँ बोला उसको कोई नहीं नहीं बोलता है जिसको मैंने ना बोला उसको हाँ कोई नहीं बोलता तो वो सोचते हैं कि चलो मेरी तो नौकरी तो है सब्जी बनाते हैं देते हैं खाना बनाते हैं देते हैं खाए तो खाए ना खाए तो ना खाए उसकी मर्जी लेकिन जब उसने ये कहा कि मैं तो नहीं इस इंड का जैसे उसने कहा कि मैं इस संसार का नहीं हूँ कांजी भाई को लगा कि ये परम धाम की कोई ब्रह्म सृष्टि तो नहीं है और जब श्री जी से बात की श्री जी ने कहा कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ उन, उन्हें तुम स्वस्थ करो और जैसे ही श्री जी की आज्ञा मिली उनको तब उन्होंने क्या किया सेवा की पहले काम कर रहे थे नौकरी के लिए अब वो भाव के साथ में प्रोसेस वही है हाथ जाएंगे पौधों में से पेड़ों में से फल तोड़ेंगे सब्जियां तोड़ेंगे जब काम कर रहे थे तब भी वैसा ही कर रहे थे पकाने का प्रोसेस भी वही है लेकिन फ़र्क है सिर्फ भाव का तो सेवा और काम में फर्क है भाव का भाव मन में होता है इसलिए तन मन धन की सेवा की बात करते हैं और ये तीनों सेवाएं जुड़ी हुई है ऐसा नहीं कि तन की सेवा अकेले हो जाएगी मन की सेवा अकेले हो जाएगी धन की सेवा अकेले हो जाएगी ऐसा नहीं है और एक और प्रकार की सेवा की बात करते हैं ज्ञान की सेवा ज्ञान देने की सेवा ये भी तीनों से मिल करके बना है कुल मिला करके तो तीन ही है तन मन और धन लेकिन अब इसको आप किसी भी रूप में ले सकते हैं उदाहरण के लिए चूँकि समझना है यही का वर्तमान उदाहरण दे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठ करके चर्चा कर रहा हूँ मेरी जगह पर कोई भी बैठ कर चर्चा कर सकता है तो हमें ऐसा लगेगा कि ये ज्ञान की सेवा है लेकिन इस ज्ञान की सेवा करने के लिए तन मन धन तीनों चाहिए चूंकि सुनने वाला कोई नहीं होगा तब भी वक्ता बोल नहीं सकता सुनने वाले के अंदर मन नहीं होगा सुनने का तब वो नहीं सुन सकता बोलने वाले के पास अगर ज्ञान तो है लेकिन बताने का मन नहीं है तब भी वो नहीं बता सकता अब मन भी है ज्ञान भी है शरीर साथ नहीं दे रहा है अगर गला खराब हो जाए शरीर ही तो है ना अगर गला खराब हो जाए वो बोल नहीं पाएगा यहाँ बैठ कर के जो ऊर्जा लग रही है बोलने में वो शरीर की ऊर्जा है बैठने के बाद जो आसन लगा करके बैठा जा रहा है कमर सीधी करके ये शरीर की सेवा है ज्ञान को पढ़ने के लिए जो पुस्तकें हमने खरीदी वो धन से आती है जिस माइक के द्वारा आप सब सुन रहे हैं ये धन से आता है जिस पंखे को चला करके हम सब नीचे शीतलता के साथ बैठे ये धन के साथ आया है ये बिल्डिंग धन से बनी तो ज्ञान की सेवा में भी तन मन धन तीनों लगा है Osionfish. अब आप सोचते हैं कि चलो मैं कैश दे रहा हूँ है ना कैश दे रहा हूँ चेक दे रहा हूँ तो कैश और चेक देने में तो शायद ये सब नहीं लगेगा ऐसा नहीं है आपने जो पैसा कमाया है शरीर लगा करके के कमाया है शरीर का श्रम करके कमाया है तो प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर शरीर की सेवा दिखाई पड़ती है कहीं पर प्रत्यक्ष रूप से अर्थ की सेवा दिखाई पड़ती है मन की सेवा दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन मन की सेवा हर जगह पर जुड़ी हुई है तो यह तन मन धन से सेवा का तात्पर्य अब एक और प्रश्न था तन की सेवा धन की सेवा मन की सेवा जीव से सेवा आत्मा से सेवा सबका तात्पर्य क्या है शरीर से जो हम श्रम कर रहे हैं स्थूल रूप से तो ये शरीर का श्रम हो गया अब हम ज्ञान की सेवा कर रहे हैं ज्ञान किस में है बुद्धि से ग्रहण किया है चित्त में स्टोर हुआ है और इन सब का मालिक तो जीव है इसके बाद जब हम चितवनी करते हैं राज्य को दिल में बसाते हैं यह आत्मा की सेवा हो गई तो जीव की सेवा अलग प्रकार की है आत्मा की सेवा अलग प्रकार की है शरीर से प्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली सेवा अलग प्रकार की है लेकिन इनमें से हम ये कहें कि हम सिर्फ तन से दिखाई देने वाली प्रत्यक्ष वाली सेवा करेंगे तो वैसा भी संभव नहीं है कोई ये सोचे कि हम केवल धन से धन से सेवा करके हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे वो भी संभव नहीं है कोई ये कहे कि हम केवल ज्ञान की सेवा करेंगे तब भी संभव नहीं है कोई व्यक्ति ज्ञान से सेवा करना चाहे अब सुनने के लिए लोग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि धन का अभाव है यातायात के संसाधनों का अभाव है बैठ करके सुनने वाले स्थान का अभाव है तो वहाँ पर धन की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है तो सारी सेवाएं आपस में जुड़ी हुई है आपस में एक दूसरे के पूरक हैं तो अब अष्टप्रहर की सेवा में जो भी जिस प्रकार की भी सेवा होती है छत्रसाल जी को आप देखेंगे चित्वनी में भी वह शामिल हैं आत्मा की सेवा है शारीरिक अगर परिश्रम की बात करते हैं तो आठों प्रहर में उनका नाम आता है अब तक आपने सुना होगा हर प्रहर में उनका नाम आया है सवेरे जब चर्चा शुरू होती है तब से लेकर के रात्रि के अंतिम प्रहर तक भी उनका नाम आता है जब भोजन करते समय श्री जी के भोजन करते समय छत्रसाल जी पहुँचते हैं तो वहां पर छत्रसाल जी भोजन कराने की सेवा करते हैं हाथ में पंखा लेकर के हवा लगाने की सेवा करते हैं बर्तन उठाने की सेवा करते हैं देवकरण जी को देख लीजिए वो झाड़ू लगाने तक की सेवा करते हैं चितवनी वो भी करते हैं जब ज्ञान की सेवा की बात करते हैं आपने सुना सुंदर वल्लभ और बद्री के साथ जब शास्त्रार्थ हुआ तो मोर्चा किसने संभाला छत्रसाल जी ने तो ज्ञान की सेवा भी वो कर रहे हैं और जब हर प्रकार की वो सेवा कर रहे हैं और हर प्रकार से वो समर्पण कर रहे हैं जब वो कहते हैं यही टीका यही पावड़ो यही न्योछा और आए तो ऐसा समर्पण देख करके ऐसी सेवा की भावना और ऐसा प्रेम देख करके उनको अमीरुल अमीरमन की शोभा मिलती है हम क्या चाहते हैं कि हमें सेवा का नाम मिले हमें सेवा से सम्मान मिले हमारी सेवा को सुंदर साथ पहचाने लेकिन ये तो फिर जाहिरी भाव हो गया सेवा से हमें क्या चाहिए सेवा करते क्यों है तात्पर्य तो समझ लिया सेवा का लेकिन करते क्यों है चलिए तारतम ज्ञान की दृष्टि से अगर ना भी देखें लौकिक दृष्टि से भी देखें तो कोई सेवा करके किसी प्रकार का पुण्य कमाना चाहता है ठीक आत्मिक लाभ की बात अलग है इस संसार में जीव भाव हाँ से भी लोग जब सेवा करते हैं तो चाहते हैं कि हमें पुण्य मिल जाए मतलब जो कुछ भी किया जाता है उसके एवज में उसके बदले में वो कुछ चाहते हैं अब हमने कोई भी सेवा की उसकी प्रशंसा अगर हमने यहीं पर ले ली तो फिर सेवा का फल तो हमने यहीं पर ले लिया समाप्त हो गया जितना हमने परिश्रम किया था जितना हमने कमाया था उतना खर्चा कर दिया हमने सेवा की उसके बदले में प्रशंसा मिल गई खत्म अगर हमें यही चाहिए कि हम सेवा करें और इसके अवज में हमें प्रशंसा मिले लोग तारीफ करें तो वो भी मिलती ही है आप ना चाहें तब भी मिलेगी लेकिन आप चाहते हैं और मिलता है प्राप्त हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि आप वैसे ही सेवा करना पसंद करेंगे जो लोगों की नज़रों में आए जबकि सेवा कैसे होती है देवचंद्र जी के प्रसंग से सुना अभी तक हमें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है जब देवचंद्र जी के पास तारतम ज्ञान भी नहीं था हरिदास जी के वहाँ सेवा करते थे परिक्रमा करते थे एक दिन हरिदास जी ने रात को देख लिया पहले दिन तो उन्होंने बहाना किया तब लालदास जी ने क्या कहा सेवा करें न जना अपने आत्म के कारण देखा नहीं काहू को समझावे अपना मन तो अगर हम किसी को दिखाने के लिए सेवा करते हैं अगर हम प्रशंसा पाने के लिए सेवा करते हैं मिलती तो है लेकिन वास्तव में सेवा का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है ये ऐसा ही समझ लीजिए जैसे कि किसी प्रकार का फिक्स डिपॉजिट है समय से पहले निकालेंगे आपका पैसा आपको मिल तो जाएगा लेकिन एफडी का जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए जो निश्चित समय के बाद मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिल पाएगा अब निर्णय तो हम सब के हाथ में है आप सब के हाथ में कि हम क्या चाहते हैं तो अब सेवा क्या है समझ में आ गया सेवा क्यों करते हैं वो भी समझ में आया अब कैसे करना है तीसरा प्रश्न ये तो जब भी हम बात करते हैं सेवा की तो हम किसी मंदिर में जाते हैं आश्रम में जाते हैं संस्था में जाते हैं वहाँ के जो भी व्यवस्थापक होते हैं तो उन व्यवस्थापकों के पास में जाकर के हम क्या बोलते हैं जैसे यहाँ का अगर उदाहरण दे क्या बोलेंगे माधव जी हमारे लायक कोई सेवा हो तो बोलेगा सब यही करते हैं सभी ये बोलते हैं कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना लेकिन वहाँ के व्यवस्थापक को तो पता नहीं ना कि आप किस लायक हैं हम किसके लायक हैं वो हमें पता है हम शारीरिक श्रम अधिक कर सकते हैं हम बौद्धिक श्रम अधिक कर सकते हैं या फिर हम आर्थिक रूप से सेवा अधिक कर सकते हैं ये तो हमें पता है तो कोई दूसरा ये ना कहे कि आप ये सेवा करें वाणी कहती है मुख्य सेवा तूने सु कहूँ जे तू अंतर आड़ोटाल अनेक विध तणी तूने उपज से तत्काल अंतर आड़ो टालने का मतलब क्या है हमारे और जिसकी हम सेवा कर रहे हैं लौकिक दृष्टि से नहीं देखना कि हम ज्ञानपीठ नाम के एक संस्था की सेवा कर रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं ऐसा नहीं जब हम हमारे और जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके बीच के पर्दे को समाप्त कर देते हैं तब वास्तव में सेवा होती है और तब तो सेवा के अनेक तरीके अपने आप ही उत्पन्न होते हैं हमारे घर में कोई पड़ोसी वाला तो आकर के नहीं कहता कि भाई साहब या बहन जी आपके घर में जाले बहुत हैं झाड़ू लगाइए पड़ोसी नहीं कहता आपके घर में बाथरूम बहुत गंदा हो रहा है साफ कीजिए पड़ोसी नहीं कहता आपके घर में गद्दे और सामान बिखरे पड़े हैं इनको समेट कर रख दीजिए पड़ोसी नहीं कहता हम क्या करते हैं स्वयं उसको करते हैं क्यों क्योंकि हमें ये पता है कि ये अपना है हमें ये लगता है कि अगर नुकसान हो जाएगा तो अपना नुकसान होगा क्योंकि यहाँ पर हमने उस सामान को या उस पदार्थ को अथवा उस घर को अपना माना हुआ है अब उस घर का कोई दूसरा भी मालिक हो सकता है मान लीजिए घर में पति पत्नी रहते होंगे तो पत्नी ये नहीं कहेगी कि नहीं पति करेगा या पति ये नहीं कहेगा कि पत्नी करेगी जिसको दिखाई पड़ेगा वही करेगा अगर घर में बच्चे होंगे तो बच्चे भी अगर समझदारी आ गई होगी उनमें तो बच्चे भी क्या करेंगे अपने घर में अगर कोई सामान इधर उधर पड़ा है वो समेट करके सही जगह पर रखेंगे अगर माता पिता घर में नहीं होंगे और दोस्त उसके घर में आने वाले होंगे तो अपने घर को वो भी सजा करके रखेंगे क्यों? क्योंकि उनकी उन चारों के बीच में कोई पर्दा नहीं है कोई भेद नहीं है सबको लगता है कि कोई भी करे काम तो अपना होना है घर अपना है वैसे ही हम जिसकी सेवा करते हैं या जिस स्थान में जाकर सेवा करते हैं उसके और हमारे बीच में अगर कोई भेद मिट जाता है तब सेवा के अनेक तरीके अपने आप उत्पन्न होते हैं चूँकि अब हमें पता है कि हम किसके लायक हैं अब ज्ञानपीठ में हम आए कोई संचार की अर्थात कंप्यूटर की कोई सेवा कर सकता है इंटरनेट से संबंधित कोई सेवा कर सकता है मीडिया वाली कोई सेवा कर सकता है कोई रसोई की सेवा कर सकता है भोजन बनाने की कोई बांटने की सेवा कर सकता है कोई स्वच्छता की सेवा कर सकता है कोई इलेक्ट्रिकल सर्विस दे सकता है जा के जेनरेटर रूम संभाल सकता है किसी के पास में मैनेजमेंट की कला होती है व्यवस्थापन की वो व्यवस्थापन देख सकता है अगर किसी के पास में प्रिंटिंग प्रेस का अगर अनुभव होगा हो वो वैसा अनुभव दे सकता है किसी के पास अगर चिकित्सा का अनुभव होगा हो तो वो मेडिकल की सेवा दे सकता है किसी बीमार को देख सकता है किसी के पास में अगर गायों की अथवा पशुओं की सेवा का अगर अनुभव है तो उस सेवा को देख सकता है लेकिन अंदर से भाव हो तब बिना भाव के अगर कोई किसी के कहने पर कर रहे हैं अनमने तरीके से कर रहे हैं आपने एक और शिक्षा ली है बीतक में से जब देवचंद्र जी के पास तारतम ज्ञान भी नहीं था तब देवचंद्र जी अपने घर में बाकी बिहारी के स्वरूप की सेवा करते हैं उनका विवाह हो चुका है लीलबाई जी को सब गाँव वाले ताने मारने लगते हैं कि कैसी पत्नी हो तुम तुम्हारा पति खुद भोजन बनाता है तुम्हारा पति खुद पानी लेकर के आता है चूल्हा चौका करता है तब जा कर के क्या करती हैं वो देवचंद्र जी को कहते हैं कि नहीं पानी भरने की सेवा ये भोजन बनाने की सेवा आप मुझे दे दीजिए देवचंद्र जी ने क्या कहा तब श्री देवचंद्र जी ये कहा नहीं ये तेरो काम कब तेरो चित्त दुखे गो जल भरते स्थान अगर पानी भरते हुए क्योंकि देवचंद्र जी का नियम था एक बार पानी भरते थे अगर किसी की परछाई भी पड़ जाती थी दोबारा वापस भर के ले आते थे तो कभी अगर उनका दिल दुखी हुआ तो सेवा की भावना भंग हो जाती इसलिए उन्होंने कहा अगर चित्त दुखी होकर के कोई सेवा करे तो सेवा की भावना भंग हो जाती है अब सुंदर सात यहाँ पर आए और किसी दूसरे के कहने में आकर के अपना तो भाव नहीं है लेकिन कोई हमें कुछ ना कहे ये सोच करके अथवा कोई कुछ कह रहा है ये सुन करके अगर सेवा कर रहे हैं तो ये सेवा नहीं है इसलिए कहते हैं अनेक विध सेवा तनी तूने उपज से तत्काल तुरंत हमारे हृदय में जैसे ही भेद समाप्त हो जाएगा अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा ज्ञानपीठ है ये प्राणनाथ तो ज्ञानपीठ ट्रस्ट की एक संस्था है जब भी हमें ये लगेगा कि ज्ञानपीठ हमारा घर है और घर का मतलब ये नहीं कि जायदाद के लिए अधिकार के लिए बंटवारे के लिए आ जाए घर का मतलब ये है कि जिस सेवा को हम करना चाहते हैं वो उस सेवा को करने का ये माध्यम बन रहा है हम जो तारतम्य रोज वादा करते हैं ना ये सुख देऊँ ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगनार तो प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि तक सुख पहुंचाने का एक माध्यम बन रहा है तो इस माध्यम को हमेशा यहाँ जो ज्ञान का दीपक जल रहा है उसको हमेशा जलाए रखना क्योंकि किसी एक घर से संभव नहीं होता है घर में पांच व्यक्तियों को मिलाकर के अगर कोई मिशन चालू करें तो वो काम सफल नहीं होता है इसलिए सभी सुंदर साथ ने मिल के इस संस्था को खड़ा किया है तो इस हिसाब से ये आपका घर ही है तो जब संसार वाले लौकिक घर का और इधर आध्यात्मिक घर का भेद समाप्त हो जाए तब हमारे अंदर अनेक प्रकार की सेवा की भावना अपने आप उत्पन्न हो जाएगी फिर हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्या करना है अब चूँकि हमें पता है हम किस लायक हैं हमें जा कर के दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी व्यवस्थापन में जा कर के कि बताइए हमारे लायक कोई सेवा है क्या हमें खुद को पता है हम किस लायक हैं हम अपने आप सेवा पकड़ लेंगे आज दुनिया में जा कर के देख लें चाहे राधा स्वामी मत में जा कर देखें चाहे वो सिख पंथ में जा कर के देख लें वहाँ की सेवा भावना को अगर देखें तो परमधाम की हकीकत और मारिफत में डूबे रहने वाली ब्रह्म सृष्टियाँ कहलाने वाले जो सुंदर साथ हैं उनकी सेवा बहुत पीछे है जिनके पास जागृत बुद्धि का ज्ञान भी नहीं है और उनको तो ज्ञान मिलता भी नहीं है साल में एक बार एक दिन के लिए एक घंटे के लिए गुरु जी आते हैं और गुरु जी का दर्शन भी सबको नहीं हो पाता है लेकिन फिर भी वहाँ पर सेवा करने के लिए लोग अपना घर बार छोड़ कर के आते हैं सारे काम छोड़ कर के आते हैं अभी कुछ दिन पहले चूँकि मैं दिल्ली में था तो मैंने सोचा अक्षरधाम के विषय में बहुत अधिक सुना था स्वामीनारायण मत के विषय में तो वहाँ जा कर के देख लेते हैं उनकी व्यवस्था कैसी है मैं वहाँ पर गया वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत थी देखने से वो प्रोफेशनल नहीं लग रहे थे क्योंकि प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग लिए रहते हैं उनके शरीर का जो डील डोल है वो अलग रहता है उनकी बोली अलग रहती है वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे लेकिन सुरक्षा बिल्कुल सख्ताई से कर रहे थे तो हमने जिज्ञासावश पूछ लिया कि क्या आप यहाँ पर सैलरी लेते हैं या सेवा करते हैं उन्होंने कहा नहीं हम यहाँ पर सेवा करते हैं फिर चूँकि अब हम लाइन में खड़े थे ज़्यादा पूछताछ कर नहीं सकते थोड़ा आगे गए दूसरी जगह पे जो लोग सेवा में खड़े थे उनको हमने फिर पूछ लिया कि आप लोग यहाँ पर सेवा करते हैं कि सैलरी लेते हैं उन्होंने कहा कि हम सेवा करते हैं तो फिर पूछा हमने कि क्या साल भर ऐसे ही रहते हैं फिर आपका घर कौन संभालता है या फिर या तो आप सन्यासी हैं लेकिन वस्त्रों से सन्यासी नहीं लगते तो उन्होंने कहा कि हम सन्यासी नहीं हैं हम भी गृहस्थी ही हैं सब लोगों की तरह लेकिन हमारे यहाँ नियम होता है प्रत्येक व्यक्ति साल में एक महीने के लिए घर छोड़ता है और एक महीने के लिए वो यहाँ आकर के अपनी सेवा दे देता है और सभी लोगों में सेवा बंटती है सभी अनुयायियों में और ये तय होता है कि जनवरी के महीने में ये व्यक्ति जाएगा फरवरी में ये जाएगा तो सब में सेवा बांट करके करते हैं तो इतना बड़ा जो मंदिर है आप जा के देखेंगे कई हज़ार एकड़ में वो फैला होगा और करोड़ों की वो संपत्ति है उसको उन्होंने संभाला है केवल सेवा के दम पर आज हमारे यहाँ सुंदर साथ में जागृत बुद्धि का ज्ञान है निज बुद्धि का ज्ञान है लेकिन अगर पाँच दिन का भी वार्षिक उत्सव हो पाँच दिन के वार्षिक उत्सव में हम पूरे पाँच दिन भी उपस्थित नहीं हो पाते हैं एक महीने की तो बात बहुत दूर की है तो हम दूसरे लोगों से सीखें कि हमारे अंदर कमी क्या है ज्ञान बहुत ऊंचा है लेकिन केवल ऊंचा ज्ञान होने से कुछ नहीं होता इसलिए कुछ नहीं होता थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण में दूं। अभी वर्तमान में जो सबसे महंगी मोबाइल फ़ोन कंपनी है ना वो एप्पल की है आईफोन लेकिन आप किसी व्यक्ति को ले जा करके अगर देंगे ना फ्री में कि ले मैं तुझे ये दे रहा हूँ अनजान व्यक्ति को वो क्या सोचेगा या तो ये डुप्लीकेट है या इसमें कोई फॉल्ट है या तो चोरी का माल है क्योंकि इतना महंगा सामान इतने सस्ते में या फ्री में कोई थोड़ी देगा हमारे यहाँ भी ऐसा ही है इतना ऊंचा ज्ञान हम निशुल्क में दे रहे हैं श्रम हम कोई नहीं करते अपने तरफ से परिश्रम कोई करना नहीं चाहता तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बाहर से देखने वाला भी आएगा सोचेगा इनके यहाँ कुछ है नहीं अनुशासन दिखता नहीं है सेवा की भावना दिखती नहीं है सारी व्यवस्था चौपट है तो किसी को ये थोड़ी लगा कि ये इतनी बड़ी कंपनी है इतना महंगा माल है किसी को लगेगा नहीं सब क्या सोचेंगे कि ये तो फ्री का है इसलिए लोग यहाँ पर आते नहीं हैं तो अगर हम चाहते हैं कि अपनी व्यवस्था को सुधारें तो अपने तरीके को सुधारना होगा अष्टप्रहर की सेवा हम सिर्फ नाम जानने के लिए नहीं पढ़ते कि छबीलदास जी पानी पिलाते हैं मुरलीधर जी सामने आंख में आंख डाल करके चर्चा करते हैं ये सब नाम जानने के लिए हम नहीं करते कि बोलचंद मोदी जयकारा लगाते हैं माया राम जी झोली में सामान लेकर के रखते हैं अभी इसको जान करके हम क्या करेंगे हम क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए बीतक है क्योंकि चाणक्य ने क्या कहा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भूतकाल में की गई गलतियों को देख करके वर्तमान सुधारे जिससे कि भविष्य उसका अच्छा हो जाए अभी अगर वर्तमान की हमारी रहनी को देखें हमारी चाल को देखें तो हमारा भविष्य अंधकार में है आपको पता है राजा राममोहन राय का नाम आपने सुना है सब ने सुना होगा इतिहास में राजा राममोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इतिहास में इतिहास जिन्होंने भी पढ़ा होगा भारत का सबने राजा राममोहन राय का नाम पढ़ा होगा लेकिन आज वो सिर्फ इतिहास ही है क्यों आज कहीं पर ब्रह्म समाज का नाम सुनना सुनने को मिलता है कहाँ गए ब्रह्म समाज के लोग कहीं है कोई तो ऐसा कारण रहा होगा ना चूंकि उनके पास ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था उनके पास ऐसी कोई पद्धति नहीं थी जिससे कि अपने मत को अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे हमारे पास ज्ञान तो है लेकिन अगर हम भी अपने ज्ञान के प्रचार में किसी भी प्रकार से सेवा नहीं करेंगे भूतकाल की गलतियों को देख करके वर्तमान को अगर नहीं सुधारेंगे तो हमारा भविष्य भी ब्रह्म समाज की तरह हो सकता है ये तो राज्य की मेहर की वजह से हमारी नहीं है अभी बची हुई है नहीं तो कब की डूब जाती जैसी हमारी रहनी है जैसा हमारा आचरण है अगर उस हिसाब से फल मिलने लग जाए ना ये तो राज्य कहते हैं कि मोमिनों की एक बंदगी का हजार गुना फल देता हूँ तभी हमारी दुकान चल रही है नहीं तो दुनिया हमसे बहुत कदम आगे है रहनी को अगर देखें लेकिन हम क्या करते हैं इस बार हमने सुन लिया अष्ट प्रहर की सेवा हमने सुन ली बारह मोमिनों की समर्पण को हमने सुन लिया देवचंद्र जी के खोज के प्रसंग को सुन लिया इंद्रावती जी के विरह समर्पण को सुन लिया सुनने के बाद अब क्या करेंगे तब तक के लिए अपने आप को शांत रखेंगे जब तक अगली बीतक नहीं होती अगली बीतक में हम फिर से आएंगे फिर से भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार से लेकर के यहाँ वही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ सुनेंगे उठेंगे पल्ला झाड़ेंगे ज्ञान समाप्त वापस घर में गए फिर से हमारी वही जीव जीवन शैली वही दिनचर्या शुरू तो अष्ट प्रहर की बीतक हमें यह सिखाती है कि राज्य की सेवा उन ब्रह्म मुनियो ने कैसे की और आज हमें कैसे करना है राज्य आज पाँचवें दिन की लीला में जैसे लीला रहे थे वैसे तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आज राज्य किस रूप में है छत्रसाल जी को उन्होंने कहा था पांचवें दिन की लीला को बंद करने से पहले कि अगर मुझे देखना है तो वाणी में देखो और अगर मुझे देखना है तो सुंदर सात के हृदय में देखो अब वाणी में देखने का मतलब यह है कि वाणी जो है राज्य का वांग्मय स्वरूप है ज्ञानमय स्वरूप है तो वाणी का जो आदेश है वो राज्य का आदेश है और सुंदर सात की जो सेवा है वो राज्य की सेवा है तो अब अष्ट प्रहर की सेवा से हमें ये सीखना है कि सेवा कैसे करनी है नाम आप सब घर में जा कर के भी पढ़ सकते हैं वैसे तो चौपाई का अर्थ भी समझ सकते हैं लेकिन सिर्फ पढ़ना और अर्थ को समझना पर्याप्त नहीं होता है जैसे उन ब्रह्म सृष्टियों ने चाल चल के दिखाई दस साल तक कहीं सोने का वर्णन नहीं आता कहीं आराम का वर्णन नहीं आता हर जगह पे वो कभी वाणी पढ़ रहे हैं कभी वाणी सुन रहे हैं कभी चितवनी कर रहे हैं कभी चर्चा कर रहे हैं कभी वो श्रम कर रहे हैं शारीरिक सेवा कर रहे हैं तो अब इसी सेवा के क्रम में सातवें प्रहर की बीतक चल रही है श्री जी सेज्या पर विराजमान है सेज्या को संभालने की और संवारने की सेवा नारायण दास जी करते हैं द्वारिका दास जी करते हैं साथ में गंगा दास जी हैं परमानंद जी हैं अब इससे सीखने का अगर मन हो तो हम इसी चौपाई से भी सीख सकते हैं एक बिस्तर सजाने में कितना समय लगता है कितने व्यक्ति चाहिए एक पर्याप्त है लेकिन यहाँ पर एक बिस्तर को संभालने के लिए और संभालने के लिए चार लोग लगे हुए हैं क्युं? क्यों क्योंकि सबके अंदर सेवा की भावना है वैसे तो कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन सभी मिल बांट करके करते हैं ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि हम कोई हजार किलो का बोझ उठा लें तो वही सेवा ऐसा नहीं है अगर सौ लोग मिल करके हजार किलो के बोझ को बांट करके दस दस किलो भी उठा लें हमें क्या चाहिए परिणाम ठीक हमें तो रिजल्ट चाहिए ना? कोई व्यक्ति कितना भी परिश्रम कर ले अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो उस परिश्रम का तो कोई तात्पर्य नहीं हुआ और अगर हमें वास्तव में रिजल्ट चाहिए तो सबको मिल कर के सेवा करनी जैसे यहाँ पर कर रहे हैं पाँच हजार सुंदर साथ है सेवा स्वीकार करने वाले एक हैं लेकिन सबके सब सेवा में लगे हुए हैं किसी को कोई सेवा नहीं मिलती है तो वो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय जयकारा लगाने की सेवा करते हैं किसी को कोई सेवा नहीं मिलती है तो वो क्या सेवा करते हैं झोली लेकर के खड़ा रहते हैं मांगने के बाद दौड़ करके स्टोर से भी लाकर दिया जा सकता है लेकिन नहीं झोली लेकर के खड़ा रहना कि समय की बर्बादी ना हो तो आज भी अगर चाहें सब सुंदर साथ तो हर प्रकार की सेवा को मिल बांट करके जागने के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा सकता है ज्ञान की सेवा एक व्यक्ति अगर जान की सेवा कर रहा है कितना करेगा कितनी जगह पर वो अपनी सेवा दे पाएगा साल भर वो दौड़ता भी रहेगा तो कितनी जगह पे दौड़ेगा और अगर एक के जगह पर दस हो तो दस गुना काम हो गया अगर एक व्यक्ति पूरे साल भर परिश्रम करके सौ नए लोगों को जोड़ सकता है तो दस लोग कितने लोगों को जोड़ेंगे हजार और अगर वो हज़ार अगले साल दस दस लोगों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए अगर वास्तव में जैसा कैलकुलेशन दिमाग करता है शरीर भी वैसा ही करने लग जाए मन हमारे शरीर को ऐसा ही आदेश दे और हम वैसा ही करने लग जाएं, तो जागनी बहुत दूर नहीं है और आज हमारे पास तो कमी किस चीज़ की है ज्ञान में किसी प्रकार की कमी नहीं है दुनिया में जिनके पास कोई आधार नहीं है वैसे धर्म और वैसे संप्रदाय भी दुनिया के सैकड़ों देश में अपनी संस्थाएं, अपनी शाखाएं खोल करके के बैठे हैं और आज जिसके पास इस संसार का सबसे ऊंचा ज्ञान है वही भारत में भी यहाँ ज्ञानपीठ है सरसाओं में जाए तो किसी को पता नहीं प्राणनाथ जी कौन है दिया तले अंधेरे की तरह तो सोचिए कि हम कितना पीछे हैं तो बस आवश्यकता ये है कि हमारे अंदर उस सेवा भावना को जगाएं और सेवा भावना दूसरे के जगाने से नहीं जगती है दूसरा कोई प्रेरणा दे सकता है लेकिन कोई जला तब सकता है जब अपने अंदर बारूद हो इसीलिए हमारे अंदर उस सेवा की भावना को जगाने की जरूरत है जिसमें बीतक और बीतक में भी विशेष रूप से अष्ट प्रहर की सेवा की जो बीतक है वो सहायक सिद्ध होती है अब श्री जी विराजमान हैं उस सेजा पर पौड़े हुए हैं वाणी गाने वाले आकर के वाणी गायन करते हैं जिसकी जैसी बारी होती है वो आकर के वाणी गायन करते हैं और बीच में वल्लभदास जी आते हैं परमधाम की बड़ी जो व्रत है बड़े व्रत की अर्जी करते हैं हुआ संझा को अवसर से लेकर के आधी रात तक की व्रत को वो पढ़ करके के सुनाते हैं अब अगर कभी श्री जी को कहीं जाने की आवश्यकता है तो पावड़े बिछाते हैं रात को हिम्मत दास जी पावड़ा बिछाते हैं श्री जी को लेकर के चलना है तो एक तरफ लालदास जी हैं कभी लक्ष्मीदास जी हैं कभी मकरंद जी हैं हाथ पकड़ करके लेकर चलते हैं अब कभी ऐसी परिस्थिति आती है क्योंकि पाँच हज़ार की जमात है पाँच हजार की जमात में पाँच सौ ब्रह्म सृष्टि है पंद्रह सौ ईश्वरी सृष्टि है और बाकी तीन हज़ार जीव सृष्टि है और जीव में भी सर्वोत्तम रहने वाली जीव सृष्टि हैं जैसा ब्रह्म सृष्टि का दावा करने के बाद हमारी रहनी है ना इससे भी कई गुना अच्छी रहने वाले वहाँ पर जीव सृष्टि हैं सुंदर साथ हैं जिन्होंने परमधाम को प्रत्यक्ष किया है लेकिन फिर भी जब तक जीव पूरी तरह से निर्मल नहीं हो जाता तब तक कहीं ना कहीं कमी रहती है तो उस कमी की वजह से कभी किसी सुंदर साथ में आपस में किसी प्रकार का मन भेद, मत मतभेद हो सकता है तो कहते हैं हंसते उत्तर देते हैं कई न्याय चुकावे इत फिर वहाँ से उठ चले आए सेज पौड़े पौढ़ने बखत किसी का अगर न्याय करना होता है कभी किसी सुंदर साथ में अगर विवाद हुआ रहता है श्री जी सभी पक्ष को सुनते हुए वहाँ पर न्याय करते हैं और सब को प्रसन्न करते हैं फिर वापस अपनी सेज्या पर आकर के विराजमान हो जाते हैं जब सर्दी की ऋतु होती है तो अंगीठी को गरम अंगीठी जिसमें कोयले होते हैं गरम, उससे बिस्तर को गरम करने की सेवा करते हैं बिहारी दास जी कभी माणिक दास जी उस सेवा को विशेष रूप से करते हैं और उसके बाद में अब क्योंकि सातवां प्रहर भी समाप्त होने वाला है मुरलीधर जी भी वहाँ से उठ करके चले जाते हैं चर्चा की आहार से जब उनका मन भर जाता है आत्मा तृप्त हो जाती है तो शरीर को भी अब थोड़ा सा आहार देते हैं अर्थात शरीर को थोड़ा सा आराम देते हैं श्री जी भी अब पौड़ते हैं और पौड़ते हुए सभी सुंदर साथ को एक बार प्रणाम कहते हैं और जब श्री जी सबको प्रणाम करने के बाद जब पौड़ते हैं उसके बाद गावन वाली आइयाँ अढ़ाई पहर गई जाम ढाई प्रहर रात के व्यतीत हो गए हैं मतलब लगभग डेढ़ बज चुके हैं तो उसके बाद में सुंदर सात वाणी गाने लगते हैं कहते है, श्री राज चित्त दे सुनत है बड़ी खुशहाली कर इन समय साथ ही खिजमत के आए अपनी खिजमत पर खिजमत कहते हैं सेवा को तो वाणी गाने की जो सेवा है ऐसे सुंदर साथ आते हैं अपनी अपनी सेवा करते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद में बारी बदल बदल करके क्योंकि वाणी में कोई राग श्री में है कोई राग बिलावल में है कोई राग भैरव में है कोई काफी में है कोई केदार में है पूरी वाणी शास्त्रीय संगीत के रागों से भरी हुई है और सुंदर साथ उस समय रागों के मरमज्ज थे तो जब राग में और भाव के साथ में देखिए दो चीज़ें होती हैं एक होती है राग में गाना और एक है अनुराग में गाना अनुराग मतलब पता है सबको अनुराग का मतलब प्रेम राग में गाना तो महत्वपूर्ण है ही अगर राग के साथ में प्रेम हो तो फिर सोने में सुहागा है अगर राग का पता नहीं है फिर भी प्रेम है तब भी बात बन जाएगी लेकिन राग का भरपूर ज्ञान हो लेकिन अनुराग ना हो प्रेम ना हो तब कोई लाभ नहीं है और सुंदर साथ जिनको रिझा रहे हैं वो साक्षात धामधनी अक्षरातीत हैं तो वहाँ पर राग भी है अनुराग भी है इसलिए सुंदर साथ वाणी गायन करते हैं बारी बारी से और वाणी गायन करते करते अब सातवां प्रहर व्यतीत हो जाता है उधर श्री जी पौड़े हुए हैं सुंदर साथ वाणी गायन कर रहे हैं थोड़ी दूर पर एक मिलावा होता है मिलावा का मतलब सुंदर साथ जैसे मूल मिलावे में घेर करके बैठे हुए हैं वैसे ही यहाँ पर भी मिल करके बैठते हैं कभी दस कभी बीस तीस चालीस और लगभग लगभग सौ तक पहुँचते हैं कभी डेढ़ सौ तक के भी संख्या हो जाती है कोई वहाँ पर निष्ठाबद्ध रूप से प्रतिदिन आते हैं कभी चूकते नहीं हैं और कोई कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं अब वहाँ पर हम उनको देख कर के ये नहीं कह सकते कि कोई पुष्टि में आ रहा है कोई प्रवाह में आ रहा है कोई मर्यादा में आ रहा है आप समय तो देखें रात्रि के भी ढाई प्रहर व्यतीत हो चुके हैं मतलब लगभग साढ़े तीन या साढ़े चार बज चुके हैं और तब भी इतनी संख्या में है तो उनको देख करके जो सुंदर साथ रोज आते हैं और जो कभी कभी आते हैं दोनों में आपस में तुलना नहीं करनी है हमें तुलना कैसे करनी है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए एक दिन के लिए तो हम पूरी रात जग सकते हैं मेडिकल साइंस के हिसाब से एक व्यक्ति बिना सोए बहत्तर घंटे तक रह सकता है बिना सोए बहत्तर घंटे तक वो जबरदस्ती रह सकता है उसके बाद में उसकी कैपेसिटी अब समाप्त हो जाएगी वैसे तो हमसे इतना भी रहा नहीं जाता है अब ये सुंदर सा तो दस साल से हैं तो हमें उनके आपस में तुलना नहीं करनी है कभी अगर सेवा की आवश्यकता पड़ जाए रात भर जगने की तो क्या हमसे हो सकता है वहां हम तुलना करें हम में और उनमें जो सामान्य रूप से श्रीजी की चर्चा होती है वो भी रात के 12 बजे तक होती है तो सामान्य नियम भी हमसे नहीं हो पाएगा तो ये तो विशेष बात है कि कोई सुंदर साथ आ रहा है कोई नहीं आ रहा है लेकिन जो आते हैं निष्ठावद रूप से वो आते ही हैं और जब वो चर्चा की अर्चा करते हैं श्री जी उनको सुनते हैं कभी कोई गलती होती है तो वहीं पर बोल देते हैं कि यहाँ ये गलती हुई है और जब बातें चल रही होती है तो श्री जी सुंदर साथ को बुलाते हैं कभी मुरलीधर जी को बुलाते हैं कभी गोकुलदास जी को केशवदास जी को बारी बारी से अलग सुंदर साथ को बुलाते हैं और फिर उन सुंदर साथ को बक्सिश देते हैं बक्सिश का मतलब जैसे आपने पुराने टीवी सीरियल वगैरह में रामायण महाभारत में अथवा किसी राजा रहन, रानी की कहानी में देखा होगा कि कोई शुभ समाचार देता है तो राजा क्या करता है अपने पास कोई हार होता है तो वो उतार करके दे देता है कोई कंगन होता है या किसी भी प्रकार के आभूषण होते हैं वो दे देता है उपहार के रूप में तो बक्सिश का मतलब उपहार श्रीति ने देखा ये सुंदर साथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं उनके हौसले को बढ़ाने के लिए अब उनको बख्शिश देते हैं अगर माला दिया है सुंदर साथ अकेले नहीं रखता उसके एक एक दाने को सब आपस में बांट लेते हैं तो इस तरह से चर्चा की अर्चा करते करते सातवें प्रहर की समाप्ति हो जाती है अब आठवां प्रहर शुरू अब आठवां प्रहर शुरू होता है आठवां प्रहर चलता है चूँकि रात का अंतिम प्रहर है रात्रि के तीन बजे से लेकर सवेरे के छः बजे तक कहते हैं अब कहूँ पहर आठवा श्री राज पौढ़े पलंग पर बानी धाम धनीय की गर्जत सब ऊपर श्रीजी पलंग पर पौढ़े हुए हैं लेटे हुए हैं और परम धाम की राज्य की वाणी की गर्जना हो रही है और वाणी जो है वो सब ऊपर अर्थात सर्वोपरि है आपने अष्टपहर की लीला में किसी प्रकार से भजन का नाम सुना है कहीं पर सुना कि कोई भजन गाया करता था नहीं सुना इससे पहले कभी सुना होगा एक सुंदर साथी वो भजन गाती है चंद्रावली दिन के प्रहर में वर्णन आया होगा शायद दोपहर के तीसरे प्रहर में चंद्रावली जी पंजाबी के भजन गा करके सुनाती हैं उसके अलावा और कोई भजन नहीं गाता है सभी वाणी का गायन करते हैं अब एक नीति में कहा कहावत कही जाती है अपवाद सर्वत्र बलियते अपवाद का मतलब एक्सेप्शन अब सुंदर साथ के मन में कई बार वैसे तो सरसावा में जो भी सुंदर साथ आते हैं सभी वाणी गायन सुनते हैं और वाणी गायन ही पसंद करते हैं लेकिन बाहर जो भी सुंदर सा चर्चा सुन रहे होंगे जैसे ही उनकी उनको ये चौपाई मिली होगी कि चंद्रावली जी पंजाबी के भजन गाया करती थी अब उनके मन में यह सवाल हो सकता है कि फिर ये वाणी गाने के लिए ही क्यों कहते हैं भजन के साथ में इनका ऑब्जेक्शन क्यों है स्वामी जी भजन के लिए मना क्यों करते हैं देखिए इसके पीछे जो कारण है उसको मैं स्पष्ट करता हूँ चंद्रावली जी जो भजन गाती थी वो किस फिल्म के धुन में गाती होंगी क्योंकि उस समय तो फिल्म वगैरह होता नहीं था सिनेमा तो थे नहीं उस समय में तो जो उन्होंने भजन गाया वो भी शास्त्रीय राग में ही गाया होगा और जो भजन बना चूँकि उस समय प्रत्येक सुंदर साथ जागृत अवस्था में थे तो वो अगर कोई भजन भी बनाएंगे तो वाणी के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं बनाएंगे वाणी को सिद्ध वाणी के सिद्धांत के हिसाब से ही बनाएंगे और राग में बनाएंगे जिनको सुनकर के मन में किसी भी प्रकार की अश्लीलता नहीं आ सकती आज के ज़माने में जो भजन बनते हैं वो किसी न किसी रूप में किसी फिल्म के गाने पर आधारित होते हैं अब मान लीजिए उस फिल्म को जिसने भी देखा होगा अगर भजन सुनेगा तो उसको तर्ज से पता चल जाएगा कि ये इस गीत से लिया गया है और ये गीत इस फिल्म का है और अगर इस फिल्म में कोई अश्लील दृश्य होंगे तो भजन सुनते हुए उसको ये ध्यान आएंगे भजन सुनते हुए अथवा भक्ति संगीत सुनते हुए ध्यान करना है राज्य का लेकिन उसका ध्यान कहाँ पे जा रहा है फिल्मों में और हमारे समाज में प्रणामी समाज में तो भजन भी ऐसे ऐसे बजाए जाते हैं अगर किसी फिल्म के गाने में राधा और कृष्ण का नाम भी होगा ना भले ही राधा और कृष्ण उस पिक्चर में हीरो और हीरोइन के लिए प्रयोग किया रहेगा लेकिन अब सोचते नहीं इसमें तो राधा शब्द है इसमें तो कृष्ण शब्द है तो ये हमारे राधा कृष्ण के लिए है उसको बजाते हैं इतना भी नहीं सोचते एक भजन बजाया करते हैं आपको शायद याद होगा सब ने सुन रखा वो मैया ये सोदा ये तेरा कन्हैया ये सुना है सबने सबने सुना है इसमें जो पहली तर्ज है ना आगे क्या कहते हैं मैं बची राम जी की कृपा से सुना है अब इतनी बुद्धि नहीं लगाते सुंदर साथ कि इस इस गाने के हिसाब से तो राम जी बड़े हुए कृष्ण जी से बचने के लिए राधा को राम की कृपा की जरूरत पड़ रही है तो भजन किसका हुआ यहाँ पर अब इसको भजन बजा ब, बना करके मंदिरों में बजाया जा रहा है और ये तो फिर भी चलो ठीक है इससे भी बहुत भद्दी भद्दी संगीत वाले सिर्फ राधा और कृष्ण वाले नाम नाम के जो भजन हैं उसको मंदिर में बजाया जाता है और उसमें लोग नाचते हैं लेकिन अष्ट प्रहर की जो सेवा है वो हमें वाणी गाने के लिए वाणी पढ़ने के लिए मंथन और चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है वानी धाम धनी की ए चौदह तबक हयात धाम धनी की जो वाणी है ये चौदह लोक को हयात अर्थात अखंड मुक्ति देने वाली है अब जो पहली बार वाणी की अभी तक की चर्चा सुन रहे हैं उनके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि वाणी में ऐसी विशेषता क्या है अखंड मुक्ति की विशेषता क्या है दुनिया में और भी तो धर्म है दुनिया में और भी देवी देवताओं की भगवान की बात करते हैं क्या उनमें अखंड मुक्ति की बात नहीं है इसका उत्तर है साफ की नहीं है क्यों नहीं है दुनिया में चार तरह की मुक्ति का वर्णन किया जाता है सालोक्य सामिप्य सारूप्य और सायुज्य और ये भी वैष्णव और वैष्णव आधारित जो भी मतपंथ है उसमें अब सालोक्य मुक्ति अथवा जो चारों मुक्ति है बिना नाम लिए संक्षेप में अगर कहें तो उस मुक्ति का स्थान कहाँ पर बताते हैं स्वर्ग या फिर बैकुंठ। और जिस ग्रंथ से इन चारों प्रकार की मुक्ति का आधार लेते हैं भागवत आदि पुराण यही भागवत आदि पुराण चार प्रकार के प्रलय का भी साथ में वर्णन कर देते हैं और फिर जिसको ये अपना मुक्ति स्थान बताते हैं उन्हीं को ये कहते हैं कि प्रलय में तो स्वर्ग और वैकुंठ तक का नाश हो जाता है तो अखंड मुक्ति कहाँ से हुई इसके अलग अगर किसी और मत पंथ की बात करें तो वैकुंठ और स्वर्ग से हटकर के अगर दुनिया के कोई देवी देवता अथवा दुनिया के जो मतपंथ हैं वो बात करते हैं तो निराकार तक की और जो लोग निराकार तक का ध्यान करते हैं उनके विष उनको अगर पूछा जाए कि मुक्ति किसे कहते हैं तो वो कहेंगे कि मुक्ति एक अवस्था का नाम है जब जीव अपने शुद्ध अवस्था में होता है फिर वो कहते हैं कि मुक्ति की भी एक सीमा है मुक्ति की सीमा कितनी है अभी इस सृष्टि को बने हुए लगभग एक अरब छियानबे करोड़ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं अब प्रलय होने में भी सामान्य नियम से जितना समय लगेगा लगभग चार अरब वर्ष का समय बताते हैं सृष्टि के बनने से लेकर के प्रलय होने तक तो एक बार बनने से लेकर के प्रलय होने तक जितना समय लगता है मुक्ति की अवस्था भी उतनी ही बताई है कि जीव उतने समय तक अपनी शुद्ध अवस्था में रह करके सुख का भोग करता है और सुख का मतलब यहाँ लौकिक सुख नहीं और उसके बाद फिर से उसको आना पड़ता है तो यह भी अखंड मुक्ति नहीं हुई इसके अलावा मुक्ति की बात कौन करता है दो प्रकार की मुक्ति कर रहे थे इधर चार प्रकार की मुक्ति ये सालोक्य सामिप्य और दूसरा ये निराकार में जीव अपनी शुद्ध अवस्था में अब इसके अलावा अगर बात करें ईसाई मत की ईसाई मत के लोगों से आप पूछेंगे मुक्ति के विषय में या परमात्मा के विषय में तो वो कहते हैं कि परमात्मा स्वर्ग में रहता है और तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे स्वर्ग में फिर जब आप बाइबल खोल करके देखते हैं ज़्यादा खोलने की भी जरूरत नहीं पहले पेज में पहली लाइन में आप देख लीजिए तो पहले पेज की पहली लाइन में बाइबल की पहली किताब है बुक ऑफ जेनेसिस हिंदी में आपको मिलेगा सृष्टि की किताब तो सृष्टि की किताब में सबसे पहली लाइन में आपको मिलेगा इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ मतलब सृष्टि में सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की स्वर्ग की रचना हुई है पृथ्वी की रचना हुई है इसका मतलब स्वर्ग भी परमात्मा ने बाद में बनाया है जब पृथ्वी बनाया है तो पृथ्वी की जैसे आयु निश्चित है वैसे स्वर्ग की भी होनी चाहिए और दूसरी बात चलिए स्वर्ग की आयु निश्चित भी निश्चित भी नहीं मान ली जाए तब भी परमात्मा तो उस स्वर्ग में नहीं रहता ना क्योंकि स्वर्ग को परमात्मा ने बाद में बनाया है तो स्वर्ग के निर्माण से पहले परमात्मा कहाँ पर था तो परमात्मा का जो स्थान है वो है वास्तव में हम सभी ब्रह्म सृष्टियों का स्थान तो अखंड मुक्ति की बात और किसी ने भी नहीं की अब आप देखते हैं गीता में कृष्ण जी की बात कर लें देवी देवताओं की बात करें तो सबसे बड़े कृष्ण जी को माना जाता है क्योंकि विष्णु भगवान के वो सोलह कला संपूर्ण अवतार हैं पुराण क्या कहते हैं विष्णुनाम नाम, नाम च सर्वेशा सारद सारम पर कृष्णेति सुंदर नाम मंगल मुक्तिदायक कहते हैं कि विष्णु के सभी नामों में कृष्ण का नाम सबसे सुंदर है और कृष्ण का नाम ही मुक्ति देने वाला है अब कृष्ण जी गीता में क्या कहते हैं जातस्य से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यार्थे न तुम सोचितुमरे तो कहते हैं हे अर्जुन जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसको दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है उन्होंने कहा कहा कि मैं मृत्यु देता हूँ या मैं मुक्ति देता हूँ कृष्ण जी खुद कहते हैं कि बहुनी में जन्मानी व्यतीतानी तवच अर्जुन तान्य हम व्यत्थ सर्वाणी न तव वेत्थ परम तपा तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं मैं उनको जानता हूँ तू नहीं जानता है तो वो मुक्ति कहाँ दे रहे वो तो खुद जन्म मृत्यु के चक्र में है तो अखंड मुक्ति की बात अब तक किसी ने भी नहीं की थी अब बात करते हैं अखंड मुक्ति कैसे मिलती है वाणी में तो वर्णन है ही धर्म ग्रंथों में भी उनके विषय में बताया कहते अमृत स्वयंभू रसे न तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान न विभाय मृत्योरात्मानम धीरम अजरम युवानम मृत्यु के भय से मुक्त कौन होता है जो अजर अमर सदा युवा स्वरूप वाले परब्रह्म को जान लेता है जो रस से अर्थात आनंद से भरा हुआ है तो वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है अर्थात वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया अब प्रश्न अगला ये है कि फिर वो अकाम धीर अमृत स्वयंभू पुरुष कौन है अर्थात परमात्मा कौन है तो परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला का वर्णन दुनिया के किस ग्रंथ में है दुनिया के किसी भी ग्रंथ में परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला का वर्णन नहीं मिलेगा अगर मिलेगा तो भी संकेत में और उन सभी संकेतों को खोलते हुए स्पष्ट रूप से वर्णन इस वाणी में किया गया है और भी तक जो है उस वाणी को समझने की एक प्रकार की चाबी है तो वाणी इसीलिए कहते हैं ए चौदह तबक हयात ये जो वाणी है चौदह लोक को अखंड मुक्ति देने वाली है इसीलिए वाणी में इंद्रावती जी कहती हैं तो क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको न करूं अखंड तो अखंड मुक्ति देने की बात सिर्फ वाणी ने की है और वाणी के आधार पर हम ब्रह्म सृष्टियों ने की है आगे कहते हैं आज लो इन इंड में कब हूँ काहू सुनी न कान कई हुए इंड कई हो वहीं पर काहू न बोए पहचान अब तक इस ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने परमात्मा के विषय में जानने का सुनने का और समझने का प्रयास किया लेकिन किसी को भी उस परमात्मा की खुशबू तक नहीं मिली ये सुनने की ताकत त्रिगुण को न हो प्रकाश की वाणी कहती है या वाणी के कारण कई करे तपसन या वाणी के कारण कई पीवे अगिन या वाणी के कारणे कई भैरव झपावे या वाणी के कारणे कई तिल तिल देह कटावे किन एक बूंद न पाइया रसना भी वचन ब्रह्मांड धनियो देखिया जो कहावे त्रिगुण तो इस ब्रह्मांड के जो मालिक जिसको कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिगुण के प्रतीक हैं उनको भी परमधाम का ज्ञान नहीं मिला है इसलिए कहते हैं ये सुनने की ताकत त्रिगुण को न हो ब्रह्मा जी अपने मुख से चारों वेद के द्वारा उस परमात्मा की स्तुति करते हैं जानना चाहते हैं उन्हीं वेदों के मंत्र में वैसे तो परमात्मा के धाम का उनकी लीला का उनके स्वरूप का वर्णन है लेकिन ब्रह्मा जी को पता नहीं चूँकि उनके पास तारतम रूपी चाभी नहीं है विष्णु जी ध्यान करते हैं उनको केवल इतना पता है कि मुझसे ऊपर की शक्ति है लेकिन कौन सी शक्ति है पता नहीं और जब कृष्ण जी के रूप में वो अवतार लेते हैं माधवपुर में संकेत करके वो गोलो की शक्ति की तरह इशारा कर देते हैं शिव जी को भी पता है मुझसे ऊपर की कोई शक्ति है क्योंकि जब पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आप ध्यान करते हैं आपको ध्यान करने की आवश्यकता क्यों है आप तो खुद आपकी खुद लोग दुनिया के पूजा करते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं परमात्मा नहीं हूँ और मैं ही नहीं ब्रह्मा भी परमात्मा नहीं है विष्णु भी परमात्मा नहीं है और इस संसार में मेरे तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु जैसे अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं हम अकेले नहीं हैं और परमात्मा हम सबसे अलग है जिनको जानने का जिनको पाने का हम प्रयास कर रहे हैं और देवी भागवत में कहा अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता न जानी मो वयम धाता परम वस्तु सनातन तो ये सभी उस परमात्मा को जानने का पाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें मिला नहीं था अब हुआ क्या कहते सो रस सागर रेलत जिस रस को लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तड़प रहे थे उस रस का यहाँ पर सागर प्रवाहित हो रहा है कोई ना धरत कान लेकिन उसको सुनने वाला अब कोई नहीं है जो भी सुंदर साथ सुन रहे हैं वर्षों से सुनते सुनते सब सुंदर साथ को ओवरफ्लो हो रहा है ओवरफ्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें बिना भूख के मिली है भोजन की कीमत किसको होती है भूखे व्यक्ति को हमें तो क्या है राज्य दे रहे हैं हमें ज़बरदस्ती खाना पड़ रहा है सुंदर साथ को ज़बरदस्ती बुलाना पड़ता है सुंदर साथ जी बी तक की चर्चा चल रही है आ जाइए पॉम्पलेट छपवाने पड़ते हैं स्पेशल इनविटेशन देना पड़ता है लेने के लिए गाड़ी भेजनी पड़ती है तब भी जब आते हैं उसके बाद भी एकाग्र होकर के हम सुन नहीं पाते क्यों क्योंकि हमें भूख नहीं है अगर तारतम की कीमत अथवा वाणी की कीमत पूछनी है तो ऐसे सुंदर साथ से पूछिए जिसने होश संभालने के बाद दुनिया के अलग अलग नदियों में जाकर के डुबकी लगाई हो वर्षों तक उसने तुलसी के पौधे में पानी चढ़ाया हो पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाया हो उसकी परिक्रमा की हो वर्षों तक शालीग्राम और शिवलिंग की उसने पूजा की हो अलग अलग देवी देवताओं के सामने मन्नत मांगने की प्रथा को शुरू किया है अलग अलग जगहों पर जाकर के उसने अनेक देवी देवताओं के मंदिरों में भोग लगाया हो आरती की हो पूजा किया हो अलग अलग तीर्थों की यात्रा की हो अलग अलग ग्रंथों का श्रवण किया हो अलग अलग मत मतांतरों में जाकर के खोज किया हो और इतना खोज करने के बाद अगर किसी को वाणी मिले उसको वाणी की कीमत का पता चलेगा आज तो हमें जबरदस्ती मुंह में डाला जा रहा कि खा लो खा लो पी लो पी लो लेकिन अब हमें ओवरफ्लो हो चुका इस वाणी का इसलिए कहते हैं सोरस सागर रेलत कोई ना धरत कान इस तारतम के रस को कौन पी सकता है कहते हैं एक संयोग की रूह पी वहीं और काहू न पहचान जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होगी उनकी आत्मा ही इस रस का पान करेगी अगर इस रस का पान कोई नहीं कर रहा है ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है जबरदस्ती बुलाना पड़ रहा है ज़बरदस्ती बैठाना और सुनाना पड़ रहा है तो हम सब अपनी अंतरात्मा में झांक करके देख सकते हैं कि हमें परमधाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाने का कोई हक नहीं है क्योंकि ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग सो नहीं नहचे वासना ताको करू जीव भेलो संग हमें तो सुनने के बाद आवेश आना तो दूर सुनने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा भी नहीं है हमें तो बस जबरदस्ती ही करना पड़ रहा है आगे कहते हैं जो पावे ए पटंतर ताकि पल न वृथा जाए वाणी सुन के वाणी की महिमा जिसके समझ में आ जाएगी और वाणी से अपने स्वरूप की तथा माया के स्वरूप की जिसको पहचान हो जाए उसका एक पल भी व्यर्थ नहीं जाता है वो हमेशा अपने अखंड के आनंद में डूबी रहती है और ऐसी ब्रह्म सृष्टि ए बैठत ढीग आए के धरे सुनने को कान ऐसी ब्रह्म सृष्टि स्वयं पास में आती है और कान हमेशा सुनने के लिए तैयार रखती है कि हमें कब परमधाम की वाणी मिले कब स्वाद मिले तभी तो आठवें प्रहर की बीतक में भी सुंदर साथ बैठे हुए हैं श्री जी के पास में वाणी का गायन सुन रहे हैं किसी रूप में वाणी हमारे कान में जाए ये वाणी इन धाम की ले बैठावत निज धाम परम धाम में हमें बैठाने वाली ये वाणी है लेकिन इसका मतलब नहीं कि वाणी सुना और परम धाम में बैठ गए के। केवल टिकट लेते ही आप फ्लाइट में बैठने के अधिकारी नहीं होते टिकट लेने के साथ में आपको चेक इन से गुजरना पड़ता है और जब आप चेक इन करते हैं आपके पास अगर कोई भी इनवैलिड इनवैलिड वस्तु है कोई भी अवैध वस्तु है तो आप अंदर नहीं जा सकते सोचिए फ्लाइट में तो आप नारियल लेकर के भी नहीं घुस सकते है ना? लौकिक फ्लाइट में अब वाणी रूपी टिकट तो हमने ले ली जिस जीव को हमें अखंड की तरफ ले जाना है क्योंकि आत्मा यहाँ पर जब परमधाम की तरफ जाएगी तो जीव के साथ में ही जाएगी परमधाम में जीव प्रवेश नहीं करेगा लेकिन यहाँ से जो यात्रा शुरू होगी वो जीव के साथ शुरू होगी अब जीव में जो बहुत से अवैध वस्तुएं हैं कौन कौन सी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष ऐसी जो अवैध वस्तुएं हैं इनको लेकर के तो आप फ्लाइट में प्रवेश नहीं कर सकते ना केवल टिकट होने मात्र से नहीं होता है आपने टिकट तो ले ली ले, लेकिन आपके पास अगर आईडी नहीं है तब भी आप हाँ प्रवेश नहीं कर सकते तारतम ले लिया लेकिन अंकुर ही नहीं है तो इसीलिए केवल तार्तम लेने मात्र से हम परम धम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तारतम के बाद में अपने जीव को निर्मल करना है अपने जीव में जो भी विकार हैं वह समाप्त करने हैं और तारतम वाणी उन विकारों को समाप्त करने में तरीका बताती है मान लीजिए लोहे में एक विकार होता है या किसी भी प्रकार के धातु में विकार होता है तो विकार को ख़त्म करने का प्रोसेस होता है अपना या तो किसी केमिकल से साफ़ किया जाता है या फिर उसको तपाया जाता है पिघला जाता है अब पिघलाने के लिए भी कितने टेम्परेचर में पिघलाएंगे तो सोना कंचन बन जाएगा ये भी एक प्रोसेस होता है अब किताब आपको ये ज्ञान दे सकता है कि आपको टेम्परेचर इतना सेट करना है लेकिन सेट करने का काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना किताब तो बटन नहीं दबाएगा वैसे ही वाणी हमें ज्ञान देती है वाणी हमें तरीका बताती है रास्ता बताती है कि हमें कैसे करना है लेकिन करना तो हमें स्वयं है और वाणी के ज्ञान का आधार लेकर के अगर हम उसको करेंगे इस ज्ञान को अगर हम आत्मसात करेंगे तब कह रहे हैं कि ये वाणी हमें धाम में ले बैठावत निज धाम सबको सुख उपजे होए पूरन मनोरथ काम सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है क्योंकि मनोकामनाएं वैसे सबकी अलग अलग तरह की हो सकती है अब मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती है वाणी को आत्मसात करके अगर जी को हमने दिल में बसा लिया तो मनोकामना पूरी हो गई वही ना क्योंकि वाणी में हम कहते हैं तुम आए सब आइया दुख गया सब दूर तो मनोकामना तो इतनी ही है ना दुख दूर हो जाए और सुख आ जाए तो ये मनोकामना पूरी करने के लिए वाणी एक आसरा है वाणी एक सहारा है आगे कहते हैं जो धाम अंदर की बिहार की मजकूर सो अक्षर को सुध नहीं जो अंदर का जहूर आज किसी पांच वर्ष के बच्चे को या जो बिल्कुल छोटा बच्चा होगा, या सबसे छोटा बच्चा जिसको थोड़ी सी सुध होगी उसको भी पूछ देंगे राज्य कहाँ पर हैं कहेगा निराकार के पार थे तीन पार के भी पार परमधाम में कैसी लीला होती है बीतक तो की दूसरे प्रकरण की पहली चौपाई अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग देखिए पीछे राजीव चौपाई बोल रहा है कि परमधाम में कौन सी बीतक हो रही थी तो परमधाम की लीला का पता है धाम में कैसी लीला होती है पता है राज्य का स्वरूप अगर पूछना है स्वरूप सुंदर संकोल सकोमल रूह देख नैना खोल नूर जमा देखिए स्वरूप भी पता है सबको तो धाम स्वरूप और लीला का पता यहाँ पर जो पांच साल के सात साल के बालक को भी पता है वो कैसे पता है वाणी के द्वारा जो ज्ञान अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में भी नहीं था अब आज अभी चूकी राजीव ने चौपाई बोली राजीव वो जागृत तो नहीं हो चुका है ना लेकिन वाणी के द्वारा उसको यह पता है कि परमधाम में क्या क्या लीला होती है राज्य का स्वरूप कैसा है तो जो शुद्ध अक्षर को जागृत तो अवस्था में नहीं वो आज हमें स्वप्न की अवस्था में भी मिला है तो वो मिला है वाणी के द्वारा अब इस वाणी के द्वारा जीव की दृष्टि भी वहाँ तक पहुँच पाती है जहाँ अक्षर ब्रह्म भी नहीं पहुँच पा रहे थे और राज्य की कृपा से जीव को भी राज्य के स्वरूप का दर्शन हो जाता है हाँ श्यामा जी की और ब्रह्म सृष्टि की स्वरूप का दर्शन भले ही नहीं होगा क्योंकि वाणी कहती है बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत राखी छिपाए लेकिन राज्य के स्वरूप का तो उन्हें दर्शन हो जाएगा जहाँ जबराइल भी प्रवेश नहीं कर पा रहा था कह रहे ना जहाँ जबराइल रहया, चल ना आगे इन की बरकते जमुना सातों घाट पहुँचे जबराइल भी सत्स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाया लेकिन यहाँ वाणी के द्वारा परम धाम के 25 पक्षों का हम वर्णन कर सकते हैं अब आगे कहते हैं इन जुबा के सुर सुनते सब ठौर आवे नज़र आज अगर हम वाणी को सुनते हैं अगर दिल से सुनते हैं, तो सारी चीज़ें हमें नज़र आने लगती है बौद्धिक दृष्टि से और जब हम चितवनी करें तो आत्मिक दृष्टि से बौद्धिक दृष्टि से जैसे सवेरे सेवा पूजा में आप क्या बोलते हैं तीजी की जो पड़साल ठौर बड़े दरवाजे विशाल तीसरी भूमि पहुंच गए बुद्धि से अगर आंख बंद करके देखें तो भले ही वो दिखाई ना पड़े लेकिन कल्पना हम कर सकते हैं कि यहाँ तीसरी भूमि की पड़साल में राज्य बैठे हुए हैं धनी आवत है उठी प्रात वन सिंचत अमृत आघात अब पशुपंखी कैसे मुजरा ले रहे हैं जी अपने नजरों से कैसे सुख दे रहे हैं उसके बाद में जब हम दाइनी तरफ दुजा मंदिर पढ़ते हैं वहाँ पर वहाँ के मंदिर की शोभा को देखते हैं तो जबराइल जहाँ जा नहीं पाया था जागृत अवस्था में आज हम स्वप्निक अवस्था में इस वाणी की बरकत से इस वाणी की मदद से इस बाणी की मेहर से वहाँ के विषय को जान पा रहे हैं कहते हैं इन वाणी की बरकतें कछु न रह वे सक। इस वाणी की कृपा से किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता है आप वाणी को सच्चे दिल से पढ़ें और केवल ना पढ़ें क्योंकि तारतम्य कहीं पर वाणी पढ़ना नहीं कहा ए सतवाणी पढ़ के नहीं कहा सतवाणी मथ के ले जो इनको सार्थवाणी पढ़ना नहीं है मथना है और जब हम वाणी का मंथन करेंगे तो अध्यात्म जगत का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका समाधान हमें वाणी से ना मिले इसलिए कहते हैं न रहे वैसक रूहें राजी रहे रात दिन जाए बैठे कदमोहक ब्रह्म सृष्टि रात दिन प्रसन्न रहती है ब्रह्म सृष्टि रात दिन प्रसन्न रहने का मतलब यह है कि जब हमें हमारी परातम की स्थिति का पता है जब हमें यहाँ पर हमारे और राज्य के बीच के संबंध का निस्बत का पता है तो दुनिया के किसी भी दुख से हम दुखी नहीं होंगे हम क्या कहते हैं वैसे एक बड़ी हंसी की बात है सुंदर साथ में जब भी हमें कोई दुख आता है हम क्या करते हैं मेहर सागर का पाठ करते हैं करते हैं सब और जब मेहर सागर का पाठ करते हैं तो एक चौपाई बोलते हैं बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत जब दुख में सुख मिल रहा है तो दुख हटाने के लिए मेहर सागर का पाठ क्यों कर रहे हैं चूंकि हमें हमारी वास्तविकता का आभास नहीं हुआ है हम अभी शरीर के दुख को अपना दुख मान रहे हैं लेकिन वाणी से जब ये पर्दा समाप्त हो जाता है तो कहते हैं रूहें राजी रहे रात दिन ब्रह्म सृष्टियाँ रात दिन राजी रहती हैं हमेशा वो प्रसन्न रहती हैं आज रात दिन प्रसन्न रहने की तो बात छोड़ दीजिए हम कहने को तो कहते हैं अष्ट प्रहर दिन चौंसठ घड़ियाँ दिन प्यू प्यू प्यू, प्यू कहिए लेकिन संभव नहीं है ये हम करते नहीं हैं अब अष्ट प्रहर की तो बात ही छोड़ दीजिए अब तो शाम को सेवा पूजा करते हैं ना सेवा पूजा करने के बाद में पौधावनी करते हैं पौढ़ावनी करते हैं तो क्या बोलते हैं पौधावनी के बाद वो बंदे आशिक होना फिर बंदे आशिक होना फिर सोना क्या अगली लाइन बोलिए कोई अगली लाइन जब नैनों में नींद आवत है तकिया और भी छोना क्या इस लाइन ने पहले वाली लाइन को काट दिया पहले तो कह रहे हैं कि आशिक सोते नहीं है और दूसरे लाइन में कह रहे हैं कि जब नींद आती है तो तक और ओर की जरूरत नहीं होती है और ऐसा बोलने के पंद्रह मिनट के बाद हम कहाँ पर मिलते हैं कहाँ मिलते हैं बिस्तर में तो वो जो ब्रह्म सृष्टि जागृत अवस्था की उन्होंने तो अपने निस्बत के स्वरूप को पहचान कर लिया है ऐसा नहीं है कि दस साल के अंदर किसी ब्रह्म सृष्टि को किसी ब्रह्म सृष्टि के जीव को कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी सभी पूरी तरह से सांसारिक सुख में होंगे ऐसा तो नहीं होगा लेकिन जब निस्बत के स्वरूप की पहचान हो जाती है तो फिर हम इस संसार के सुख से भी और संसार के दुख से भी परे हो जाते हैं और तब हमारी सुरता तब हमारी आत्मा रात दिन राज्य के सुख में रहती है अब इस तरह से ये इस वाणी की महिमा का वर्णन आठवीं प्रहर के बीतक में श्री लालदास जी कहते हैं अब वाणी गायन सुनते सुनते कहते हैं ए जिकर जुबान सो करत हैं सब मोमिन श्री राज पौढ़ सुनत है नींद न आवे नैनन ये वाणी की जो महिमा है उस वाणी की महिमा का गायन कर रहे हैं जिसको उस समय चौदह बारी वाले सुंदर सा गाते थे और उस जिक्र को राज्यी सुनते हैं लेटे हुए लेकिन उनकी आँख में नींद नहीं आती है अब कहते हैं कछु आँख मिली के ना मिली फिर सुनत है कान कभी आँख बंद हो जाती है कभी बंद नहीं होती है लेकिन अगर कभी आँख बंद भी होती है तो राज्य उसको सुनते रहते हैं और सुनने का प्रमाण वो कैसे देते हैं कहते हैं कोई आगे पीछे हरफ कहे कहे मोमिनों को सुबहान अगर श्रीजी आँख बंद भी कर रहे होते हैं तब भी कोई सुंदर साथ अगर वाणी की चौपाई को गायन करते हुए क्योंकि उस समय लिखित तो था नहीं आज की तरह श्रीमुखवाणी संगीत लेकर के तो गाने नहीं बैठते थे तो सुंदर साथ ने जो भी सुन करके याद हुआ है जब उसको गाते थे तो अगर इधर उधर कोई लाइन हो गई तो श्री जी कहते थे कि नहीं ये चरण ऐसे नहीं ये चरण पहले है अथवा बाद में है उसके बाद अब रात्रि के चार घड़ी बाकी रहती है अर्थात प्रातः के साढ़े चार बज चुके हैं अब वृत्त का समय आता है वृत्त मतलब परमधाम की वृत्त ठीक है और वृत्त में सिर्फ परम धाम की लीला नहीं होती है वृत्त का मतलब क्या होता है आपने अगर ज्यामिति पढ़ी होगी जियोमेट्री वृत्त मतलब सर्कल सर्कल मतलब गोल और गोलाई कैसे बनती है किसी भी पेंसिल को या पेन को जिस बिंदु में पहले रखते हैं वहाँ से शुरू करके पूरा घुमा करके वापस उसी बिंदु में जब पहुँचती है तो उसको क्या कहते हैं वृत्त तो हम सब ब्रह्म सृष्टियों की वृत्त शुरू होती है अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक से तो ख़त्म कहाँ पर होगी वापस मूल मिलावे में पहुँच करके अब जो बीतक चल रही है ये जो वृत्त चल रही है तो इस वृत्त को समाप्त होने में लगभग लगभग पंद्रह प्रतिशत बाकी है क्योंकि छ अभी पाँच दिन की बीतक पूरी हो चुकी है छठे दिन की बीतक चल रही है सातवें दिन में ज्यादा काम नहीं है हमारा तो बीतक की कल समाप्ति हो जाएगी वृत्त की भी समाप्ति हो जाएगी लेकिन वृत्त अभी पूरा नहीं होगा यहाँ पर तो आठवीं प्रहर की लीला में मुरलीधर जी व्रत कहते हैं वृत कहते हुए वो वर्णन करते हैं परम धाम से लेकर के सब कुछ धाम की गिर्द का वर्णन करते हैं फिर मोहलातों का वर्णन करते हैं दसों नवभूम दसवीं आकाशी तक का वर्णन करते हैं और सारा वर्णन करने के बाद में वापस आते हैं यहाँ तक का वर्णन उन्होंने कर दिया लेकिन वृत्त और बीतक अभी समाप्त होने वाली नहीं है तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि जागृति नहीं है तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक हमारी जागृति परम धाम में नहीं होती क्योंकि अभी सर्कल पूरा नहीं हुआ अब कहो फेर के मूल मिला कि बीतक तो पहली बिंदु थी तो अब आखिरी बिंदु कहाँ पर होगी प्रगटवाणी की अंतिम चौपाई किसी को याद है प्रगटवाणी की अंतिम चौपाई इत ही बैठे घर जाके धाम पूरण मनोरथ हुए सब काम तो अगर यहाँ बैठे बैठे सभी ब्रह्म सृष्टि परम में जागृत हो गए मतलब क्या आत्मा की जागनी हो गई तो जब सब ब्रह्म सृष्टि यहाँ पर एक बार जागृत हो गए तो उसके बाद फिर परातम की जागृति होने में तो कोई पल ही नहीं लगना है तो यहाँ पर जागृति की अवस्था बन जाए इसीलिए चूंकि अब वैसे समय भी हो चुका है और आठ प्रहर की बीतक भी, भी समाप्त हो चुकी है अब कल तो अंतिम दो प्रकरण को हम करके समाप्ति भी कर देंगे लेकिन अब समाप्त करते करते भी थोड़ा सा हम इस विषय में भी सोचें कि वृत्त को पूरा कैसे करना है क्योंकि एक प्रकार से ये जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी का मतलब होता है बोझ जिम्मेदारी का मतलब होता है भार और भार को जितनी देर तक सिर पर रख करके खड़े रहेंगे भार उतना ही लगेगा कोई भी भार है यहाँ सिर पर रख दिया गया है और आपको बताया गया है कि वो गेट में ले जा करके छोड़ देना है तो अगर भार से हल्का होना है तो गेट तक पहुँचना है छोड़ देना है अब यहीं पर सिर पर जिम्मेदारी तो आ चुकी है हम सबकी जिम्मेदारी एक बार तारतम हमने ग्रहण किया तो हमने वादा किया कि ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगनार अब तब तक नहीं छूट सकती है जिम्मेदारी जब तक कि आप ऐसे सुख देव ब्रह्म सृष्टि को नहीं कर लेते अब सिर पर ये सोच करके कि नहीं नहीं भार है बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा भार है तब तो भार लगा ही रहेगा इससे अच्छा ये है कि हम अपनी बाउंड्री तक पहुँच जाएँ अर्थात अपने कर्तव्य को पूरा करें और वहाँ तक पहुँचने के बाद में भार को उतार दें इंद्रावती जी को भार दिया गया था पाँचवें दिन की लीला में उन्होंने भार पूरा किया अपने तरफ से और छठे दिन में पहले छत्रसाल जी के हाथ में दिया हाथ हुकम छत्र साल के और उसके बाद में छत्र साल जी के बाद धीरे धीरे एक एक ब्रह्म मुनि और प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि को ये जिम्मेदारी दी गई एक के बाद एक जैसे वो खेल खेलते हैं ना रिले जैसा एक छूता है उसके बाद में जिसको छुआ जाता है वो आगे बढ़ता है और उससे अगला जो व्यक्ति हो तब तक नहीं दौड़ सकता है जब तक पिछला वाला उसके पास नहीं पहुंचता है तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमने सरकार से तारतम सुना है या फिर स्वामी जी से तारतम्य सुना है अब उन्होंने हमें छू दिया है अब दौड़ना है हमें क्योंकि हम प्रतिदिन बोलते हैं सेवा पूजा जो भी करते होंगे सुंदर साथ तो हम सब ये बोलते हैं ना कि तुम सतगुरु दीपक भाई किओ जो आप आपसमान अभी आप सब ने गुरु पूर्णिमा भी मनाया होगा तब भी ये झूठ बोला होगा सबने कि तुम सतगुरु दीपक भाई कियो जो आप आपसमान क्योंकि झूठ है झूठ कैसे क्योंकि अगर सदगुरु ने हमें अपने समान बनाया होता तो हम भी सदगुरु के जैसा कार्य कर रहे होते जैसी जागनी हमारे सदगुरु ने की जैसी सेवा हमारे सदगुरु कर रहे थे या कर रहे हैं वैसा हम भी कर रहे होते क्योंकि दीपक अगर दूसरे दीपक को जलाता है तो उसमें पहले वाले और दूसरे दीपक में कोई फर्क तो रहता नहीं है तो इसीलिए अब इस दीपक की जिम्मेदारी है जिसको हम जला हुआ कह रहे हैं सदगुरु ने हमें जलाया है वो दूसरे दीपक को जलाएं तभी जागनी संभव होगी और तभी बीतक समाप्त होगी क्योंकि बीतक कितने दिन की है सात दिन की ना और सात दिन में अभी तो हम छठे दिन की बीतक भी, भी नहीं सुनते ये तो पाँचवें दिन तक की लीला है छठा दिन अभी चल रहा है सातवां दिन होना बाकी ही है तो बीतक परमधाम में पहुँचने के बाद ही पूरी होगी कल तो हम सिर्फ नारियल फोड़ेंगे इसीलिए हम चाहते हैं कि बीतक जल्दी से जल्दी समाप्त हो हम चाहते हैं कि इस खेल को समाप्त करके हम अपने धाम में जागृत हों तो इसके लिए प्रत्येक सुंदर साथ का एक कर्तव्य है कि बीतक सुन के हमने जो सीखा है श्री जी अलग अलग जगह पर जाकर के जागनी करते हैं तो कैसे करते हैं हरजी प्यास जी को वो पाँच मिनट के अंदर परास्त कर सकते थे लेकिन कैसा धैर्य रखा है उन्होंने दो महीने तक वो धैर्य हम सीखें बारह मोमिनों ने कैसा समर्पण किया वो समर्पण हम सीखें बारह मोमिनों को समझाने के लिए कि जागनी कैसे करनी है बड़ी पत्री और छोटी पत्री में श्रीजी ने क्या सिखापन दी है वो सिखापन हम सीखें और हंसते हुए अगर हम सीखते नहीं हैं तो रोते हुए राज जी कैसे सिखाते हैं वो लालदास जी से सीखें निन्यानबे जहाज़ों को डूबाने के बाद में राज्य ने अपने चरणों में लिया है तो अब हम सावधान हो जाएं, हंसते हुए खुशी खुशी इस रास्ते पर आ जाएं, जागनी के रास्ते पर नहीं तो राज्य जिस दिन लेंगे आपकी मर्जी के बिना जब भी लेंगे तो फिर आपको दुखी होकर के आना पड़ेगा तो इसलिए ऐसा ना करें रोए धोए राजी भय नाच कूद होए खुशाल दोनों प्रसंग को हमने देखा है जो रो धो के राजी होता है उससे भी सेवा लेनी ही है और जो नाचते कूदते हुए जो राजी होता है उससे भी राज्य सेवा लेंगे अब प्रसन्नता किसमें होगी जो नाच कूद करके खुश हो करके के करते हैं तो इसलिए खुशी खुशी इस जागनी में अब हम तन मन धन से योगदान दें जो ज्ञान की सेवा कर सकते हैं वो ज्ञान से सेवा करें जो शारीरिक सेवा कर सकते हैं वो शरीर से करें जो आर्थिक रूप से सेवा कर सकते हैं वो आर्थिक रूप से सेवा करें तभी जागनी संभव होगी और तभी बीतक सुनने का सही अर्थ हमारा घटित होगा क्योंकि अब समय हो चुका है चौपाई तो रही श्री महामती कहे ए मोमिनो ए, ए आठों प्रहर की बीतक अब स्वरूप साथ को देत है, को है। सो कहूँ शोभाक सो कहूँ हक बोलो श्री प्राणनाथ बोले श्री, श्री सदगुरु महाराज